वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी, जो डर था वही हुआ, पर 22 मई को केस हो जाएगा ख़त्म। जी हां, 22 मई को केस ख़त्म हो जाएगा। जानकारी के लिए सबसे पहले आज की न्यूज ये हेडलाइन ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें, जाने विस्तार से पूरी सच्चाई। सबसे पहले एसटीईटी के लेकर ये न्यूज आज की न्यूज़पेपर में है कि एसटीईटी को लेकर याचिका पर सुनवाई 22 को। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। उस दिन बिहार बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर बहस करेंगे। परीक्षा समिति की ओर से कहा गया कि इस बीच एसटीईटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रिट याचिका दायर कर गत 28 जनवरी को संपन्न हुई एसटीईटी परीक्षा की वैधता को चुनौती दी है। जी हां, रिट याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाए। इस खबर के साथ आज बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों की सारी उम्मीदें रुक सी गई है। हमारी टीम के द्वारा कई एस्टेट अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, तो एक अभ्यर्थी आपसे आज इस वीडियो में कुछ बताने वाला है, तो उनकी बात ध्यान से सुने। नीरज के केस का जो मजबूत मुद्दा है साइलेबस का, वो मुद्दा भी नीरज हार जाएंगे। अगर 22 को कोर्ट खुलेगा तो नीरज की हार लगभग तय है। नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो जिस विषय से होगा उसी विषय से निर्दिष्ट विषय वस्तु से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, और 50 नंबर में तो सबको पता था रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जी सब रहेगा उसमें, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन उसी तरह से आया है। तो नीरज जी जो केस किए हैं, मुख्य उनका मुद्दा है, प्रबल मुद्दा है कि क्वेश्चन साई लेवल से बाहर आया। तो नीरज बाबू, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट थे तो आपको सोशल साइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया निर्दिष्ट विषय वस्तु से। नीरज बाबू, आपके ग्रुप में जो केस किए हैं, जो लोग मैथ से क्वेश्चन फार्म भरे हैं, हम मैथ का सब्जेक्ट वाले हैं, तो उनको मैथ का ही क्वेश्चन निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछा गया है। नीरज बाबू, अगर आपके ग्रुप में कोई साइंस का स्टूडेंट है और केस की आपके फेवर में, तो नीरज बाबू उस साइंस का ही क्वेश्चन उसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछा गया है, न कि मैथ। नीरज बाबू, आपके ग्रुप में अगर हिंदी का कोई विद्यार्थी है जो केस किया बिहार बोर्ड पर, वो हिंदी के ही सब्जेक्ट के विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछा गया, न कि दूसरे विषय से। तो नीरज जी को इतना हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि नीरज जी, आपने जिस बलबूते पर सब्जेक्ट और सिलेबस के बलबूते का जो दावा ठोक करके बिहार बोर्ड पर केस किए हैं, आपको अगर 22 तारीख को ओपन हुई कोर्ट, तो आप बुरी तरह से मुके खाएंगे यानी हार जाएंगे। अरे भाई, सोचिए मित्र कि जिस विषय वस्तु से अगर कोई फार्म भर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मैथ का फार्म भरा है, कोई भी स्टूडेंट हो, मैथ में चार तरह के लड़के फार्म भरे थे। पहला बीएससी से मैथ किया हुआ, वो फार्म भरा था मैथ में। बीएससी से केमिस्ट्री किया था, वो मैथ का फार्म भर रहा था। बीएससी से फिजिक्स किया था, वो भी मैथ का फार्म भर रहा था। बीएससी से अगर इंजीनियरिंग प्लस बीएड किया हुआ था, वो भी मैथ का फार्म भरा था। तो देखिए यहाँ हुआ कहाँ से तुलना। फिजिक्स के स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो मैथ का फार्म भरा हूँ, अब मुझे फिर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अरे फिजिक्स वाले भाई,
तुम मैथ के सब्जेक्ट का फॉर्म भरे हो तो मैथ ही क्वेश्चन आएगा कि आपको साइंस पूछ देगा या हिंदी में क्वेश्चन पूछ, हिंदी का क्वेश्चन आपको आवेगा। कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो कहता है मुझे मैथ नहीं आया है, मुझे केमिस्ट्री नहीं पूछा है, मुझे मैथ आ गया है। अरे भाई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, तुम मैथ का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था ना कि साइंस का, तो साइंस में ना केमिस्ट्री फिक्स पूछेगा। तुम तो खुद पहले देखे, नोटिफिकेशन पढ़िए मित्र, नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है कि जिस विषय वस्तु से जिसने फॉर्म भरा है बिल्कुल उसी निर्दिष्ट विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछेंगे। तो नीरज जी आपका केस निराधार है, झूठी बरगलाने की आपने कारखाना खोला है और आपकी हार 100% तय है, मैं लिख दिया हूं। हाँ कोई स्टूडेंट अगर साइंस का जो फॉर्म भरे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, उनको देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्वेश्चन उन्हें पूछा है। अरे भाई जो साइंस का था वो साइंस वाला क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब बॉटनी से क्वेश्चन है तो उसी से पूछेगा ना। तब कहिएगा हम बॉटनी का स्टूडेंट हैं, अब हमको पूछ दिया है केमिस्ट्री। अरे भाई केमिस्ट्री नहीं पूछेगा तो क्या तुमको फिजिक्स पूछेगा? अरे सब है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब उसमें है। तो यहाँ तो बात है नकारात्मक बोल आपके हैं, उसमें लिखा हुआ है जिस विषय वस्तु से आपको एग्जाम देना है उसी निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकली दिमाग चलाओ ना बड़े भाई, मूर्खों की बात क्यों करते हो? छोटे बच्चे हो कि चॉकलेट वाली बात पर आएंगे, चॉकलेट ले लो। अरे बड़े हो गए हो, 10+2 का एग्जाम देने वाले हो, मैट्रिक में बच्चों को पढ़ाओगे, 10+2 के बच्चों को पढ़ाओगे, क्या है आप लोग बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो? नीरज जी आपकी हार 100% होगी, मैं कहता हूँ 22 तारीख का कोर्ट ओपन हुआ तो आपकी हार 100% है। आपने जितने पैसे अपने वकील को दिए हो पैसे पानी में डूब रहे हैं आपके। अगर मेरी बात आपको झूठ लगता है तो आप नोटिफिकेशन में खोल के देख लें, बिल्कुल वो नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपका एग्जाम लिया है और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। अगर शारीरिक शिक्षा का स्टूडेंट वो एग्जाम दिया है तो 50 नंबर उसमें लिखा हुआ था कि जी सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान का ही क्वेश्चन उसमें आया। अब 50 नंबर निर्दिष्ट विषय वस्तु, 50 नंबर निर्दिष्ट विषय वस्तु से उसके अंदर क्वेश्चन आता शारीरिक शिक्षा में। और देख लीजिए 10+2 में भी यही लिखा हुआ है कि जिस विषय से जो फॉर्म भर रहे हो उसी निर्दिष्ट विषय वस्तु से क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई जो 10+2 के स्टूडेंट हैं अगर हम इंग्लिश का भरे हैं तो इंग्लिश उसके क्वेश्चन में इंग्लिश ही टोटल 100 नंबर का आया है, अगर फिजिक्स है तो टोटल 100 नंबर फिजिक्स आया है, केमिस्ट्री टोटल 100 नंबर केमिस्ट्री दिया है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी टोटल 200 नंबर दिया है, कंप्यूटर साइंस तो 100 नंबर का कंप्यूटर साइंस पूछा है ना कि उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया है। तो इसलिए नीरज जी किसी को बरगलाने से आपकी केस मजबूत नहीं होने वाली, आपकी केस हार है 100% तय होगी। थैंक यू सर जी, तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक वीडियो को यहाँ तक सुना देखा तो आप अब समझ चुके हैं कि इस केस में एस्टेट अभ्यर्थियों की ही जीत तय है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि अभ्यर्थियों में रोष कम और पॉजिटिविटी ज़्यादा बनी रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपना एस्टेट स्कोर और अवश्य कमेंट करें अपने राय विचार कि क्या आगे किया जाना चाहिए। पॉजिटिव और सही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बन जाइए इस चैनल का मेंबर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।